नमस्कार। दिनभर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती उम्र को देख करके अब उनकी जगह एक भारतीय मूल की महिला मंत्री को लाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ दिनों बाद ही रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन जिस दिन वो रूस पहुंचेंगे जस्ट उसी दिन बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भी अपनी चीन यात्रा पर जाने वाली हैं। इसके अलावा भारत के लगातार बढ़ रही डिफेंस पावर को देखते हुए चीन ने तिब्बत में अपने कई और लड़ाकू विमानों को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस ने मिलकर के अमेरिका को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है और अब भारत और रूस के बीच में भारी बायलैटरल ट्रेड शुरू हो चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर अफगानिस्तान को सीधी धमकी दे दी है और जमकर के ट्रंप की तारीफ अमेरिका में की जा रही है। आज के इस वीडियो में भारत, रूस, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 समिट में पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचते ही उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बैठक की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ, ताकि किस तरीके से दोनों ही नेता मिलकर के पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद पर नई कूटनीति, नए सैन्य माध्यमों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बातचीत की गई है। हुई इस बैठक के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो दोनों देश किस तरीके से आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं, ताकि भविष्य में दोनों ही देशों के लिए नए रास्ते खुल पाएंगे और खासकर पूर्वी लद्दाख और मध्य लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को लेकर के जल्द से जल्द किस तरीके से खत्म किया जाए, इस पर बातचीत की गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में होने वाली SCO समिट के अंदर वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी जाने वाले थे, लेकिन देश के अंदर चल रहे पार्लियामेंट सेशन की वजह से वो नहीं जाते और उनकी जगह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी भारत को रिप्रेजेंट करने वहां पर पहुंचे हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चीन की किसी भी बात और किसी भी भरोसे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कल ही खबर सामने निकल के आई है कि चीन ने तिब्बत में अपने कई एडवांस लड़ाकू विमानों को तैनात करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे J20 के नाम से जाना जाता है, एक नई सैटेलाइट इमेज में इस बात का खुलासा किया गया है, जिससे पता चलता है कि तिब्बत के सिगात्से एयरबेस पर J20 लड़ाकू विमानों को बड़े पैमाने पर चीन ने भेजना शुरू कर दिया है। और सिर्फ J20 नहीं बल्कि इससे पहले J10 लड़ाकू विमान ऑलरेडी यहां पर तैनात किए जा चुके हैं। करीब 12,408 फीट की ऊंचाई पर चीन ने अपने दो सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। और हम सभी जानते हैं कि तिब्बत पर भारत और अमेरिका मिलकर के किस तरीके से नए नए नियम कानून ला रहे हैं, ताकि तिब्बत को उसकी ओरिजिनल पहचान दी जा सके। लेकिन चीन है कि तिब्बत को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और लगातार जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं उसे चीन अपने फाइटर जेट और हथियारों को वहां पर तैनात करना शुरू कर देता है। और चीन भी सिर्फ तिब्बत का इस्तेमाल इसीलिए कर पा रहा है ताकि वो भारत के ऊपर नजर रख सके। लेकिन कई एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा करते हैं कि चीन कितने भी आधुनिक लड़ाकू विमानों को वहां पर तैनात कर लें, भारत के पास जो एडवांटेज है वो शायद चीन को कभी नहीं मिल सकता। हमारे पास एक मैक्सिमम हाइट है जहां से हम रह करके चीन पर आसानी से नजर रख सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो सेना है, खासकर एयरफोर्स, वो हमारे पास जो भी लड़ाकू विमान है सिर्फ उनकी मदद से ही चीन के अच्छे अच्छे लड़ाकू विमानों का धुआं निकाल सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका के अंदर चुनाव का माहौल पूरी तरीके से फैल चुका है, जहां पर अब जो बाइडेन को हटाते हुए भारतीय मूल की कमला हैरिस को वहां पर लाने की बात शुरू की जा रही है। और कई सर्वेस भी किए गए हैं जिसमें पता चला है कि इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है जो बाइडेन की जगह पर। असल में कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के अंदर बाइडेन और ट्रंप के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिबेट की जाती है, जिसमें 81 साल के बाइडेन कई बार अपनी बहस के दौरान कई ऐसी गतिविधियां करते हुए पाए गए हैं जिससे लगता है कि अब उनकी एज ज्यादा हो चुकी है। लेकिन उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अभी पूरी तरीके से फिट हैं इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए। लेकिन जो चीजें सबके सामने निकल के आई हैं इससे पार्टी की भी चिंता बढ़ गई है और कई एक्सपर्ट्स ने तो ये भी कह दिया है कि उन्हें अब राष्ट्रपति पद को छोड़ देना चाहिए और अब उनकी जगह पर जो नया कैंडिडेट आने वाला है में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को जगह देने की बात की जा रही है। और ये सिर्फ एक दो एक्सपर्ट्स का नहीं बल्कि कई लोगों के पैनल ने इस बात को डिसाइड किया और कई लोगों की ये पसंदीदा उम्मीदवार है। लेकिन अमेरिका के अंदर जिस तरीके की डिबेट हुई है इससे लगता है कि ट्रंप फिर से पावर में आ सकते हैं, लेकिन उनके सामने जो एक विपक्षी दल होने वाला है वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मेन चेहरा है उन्हें कमला हैरिस को दिए जाने की बात कही जा रही है। आपके हिसाब से क्या यह होना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो यह सामने निकल के आ रही है चीन, भारत और बांग्लादेश से। असल में 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी रूस यात्रा पर जाने वाले हैं, लेकिन उसी दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर चीन जा रही हैं। और आपको नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिनों पहले ही भारत की तरफ से बांग्लादेश को करीब $500 मिलियन का लोन दिया गया है और अब बांग्लादेश करीब $5 बिलियन का लोन लेने के लिए चीन पहुंच रही
हैं और ये बात बहुत अच्छे से बांग्लादेश समझ चुका है कि वो दोनों ही देशों के साथ अगर रिश्ते बना करके चलता है तो इसी में उसका फायदा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश वहां पर पहुंच करके कई डिफेंस प्रोजेक्ट पर भी बड़े एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, जिससे एक बार को बांग्लादेश को फायदे हो जाएंगे, बांग्लादेश की डिफेंस पावर बढ़ जाएगी। लेकिन बांग्लादेश इस बात को जानता है और उनकी मिलिट्री ने इस बात को एड्रेस किया है कि उन्होंने चीन से जो हथियार मंगाए हैं उनके पास क्वालिटी नहीं है। वहीं तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के भारत के साथ अभी भी बांग्लादेश फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पाया और हमें डर है इस चीज का कि कहीं चीन इसमें अपनी टांग अड़ाना शुरू न कर दे। करीब 13 सालों से तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर के बांग्लादेश अभी तक पूरी तरीके से असमर्थ रहा है। जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आती हैं तो इस चीज को लेकर के वो बातचीत करती हैं, लेकिन अभी भी ये प्रोजेक्ट अपने फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है। लेकिन क्या चीन से मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करते हुए चीन बांग्लादेश के कई हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश करेगा या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगले इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका को आंख दिखाते हुए भारत और रूस जिस तरीके के डिप्लोमेटिक गेम खेलना शुरू कर चुके हैं, ये देख करके पूरी दुनिया हैरान है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भारत और रूस मिलकर किस तरीके से वेनेजुएला से ऑयल परचेस करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब भारत और रूस ने अमेरिका की उस सबसे बड़ी धमकी को नजरअंदाज कर दिया है जिसके बारे में पिछले साल बहुत ज्यादा चर्चा की गई है। असल में जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होता है तो रूस के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके बावजूद भी भारत अमेरिका से भारी मात्रा में तेल खरीदता है और अब सभी चीजों को किनारे करते हुए रियल टाइम एनर्जी कार्गो ट्रैकिंग फर्म वेट्रेक्सा के आंकड़ों के मुताबिक जून 2024 में भारत ने सबसे ज्यादा रूस से कच्चा तेल खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब इंपोर्ट 42% के ऊपर पहुंच चुका है और हमारा तेल इंपोर्ट रूस से चीन से भी ज्यादा हो गया है। वहीं मई 2024 में ये करीब 37% था और यदि आप आंकड़े निकाल करके देखेंगे तो पाएंगे कि जो तैयारी की जा रही थी कि भारत और रूस के बीच में जो ट्रेड है वो 2028-29 तक 50-55 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, लेकिन 2023 में ही हमने ये सारे आंकड़े पार कर दिए थे और अब इसी बिजनेस को लेकर के रूस ने पाकिस्तान के मजे ले लिए हैं। कैसे, अगले अपडेट में समझते हैं। असल में रूस ने एसईओ समिट के दौरान ही पाकिस्तान को एक बड़ा ऑफर दिया है कि वो रूस से तेल खरीदना शुरू कर दें, लेकिन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि इस समय पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत इतनी बुरी है कि वो तेल इंपोर्ट भी नहीं करा सकते। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते चले जा रहा है। IMF ने उन्हें क्लियर वार्निंग दे दी है कि इसके बाद उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा। ऐसे में रूस ने सोचा है कि पाकिस्तान की मदद कर दी जाए और पाकिस्तान को तेल एक्सपोर्ट कर दिया जाए। जोश में आकर के पाकिस्तान ने इस बात पर सहमति तो जता दी है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को अच्छे से जानता है कि अगर उसने रूस से तेल मंगा लिया तो भारत जैसा देश पाकिस्तान नहीं है, अमेरिका और जितने भी पश्चिमी देश हैं पाकिस्तान को पूरी तरीके से दबा करके रख देंगे। भारत मजबूती से खड़ा हुआ देश है। भारत ने सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए रूस और अमेरिका सबके साथ अपनी दोस्ती मजबूत रखी है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तान अमेरिका के दबाव में चलता चला आ रहा है और वो आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा और अमेरिका भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक हालात से बाहर निकले, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है तो अमेरिका का पाकिस्तान में बैठ करके सेंट्रल एशिया के अंदर नजर रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सबसे अच्छी बात यह है कि रूस ने पाकिस्तान को नॉर्मल प्राइस पर तेल देने का वादा किया है। भारत की तरह कोई भी डिस्काउंट पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो अमेरिका की तरफ से एक बार फिर अफगानिस्तान को धमकी दी गई है और इस बार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे वेस्ले हंट ने इस बात को क्लेरिफाई किया है कि जब ट्रंप सरकार थी तो वो तालिबानी नेताओं से कड़ी भाषा में बातचीत करते थे और जब अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस लाने की बातचीत शुरू हुई तब उस समय के तत्कालीन विदेश मंत्री माइक पोम्पियो तालिबान नेताओं से बातचीत कर रहे थे और उसी बीच ट्रंप ने तालिबानी नेताओं को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकियों को 1% भी नुकसान होता है तो इससे तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे और इसी चीज को लेकर के उनकी तारीफ भी की जा रही है, क्योंकि यदि पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या फिर अमेरिका, अगर आपके टेरिटरी या फिर आपके लोगों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं और आपके ऊपर खतरा होता है तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपने देश को बचाया जाए और यही नियम सभी देशों के ऊपर लागू होते हैं। फिलहाल इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।